أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये टॉपिक नेम है रिफॉर्मिंग और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डेफिनेशन आती है रिफॉर्मिंग की, नॉकिंग की, ऑक्टेन नंबर की और एक एमसीक्यूज भी निकलता है कि विच वन इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज भी इस टॉपिक में से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है नॉकिंग। ठीक है, नॉकिंग नॉकिंग कहते हैं बेटा शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड। मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल। जब लो क्वालिटी का फ्यूल आप इंजन में बर्न करवाते हैं बेटा, तो आप देखिए इंजन का जो पूरा प्रोसेस चल रहा होता है इसमें स्पार्क प्लग ने फायर करना होता है। एज अ रिजल्ट इंटरनल इंजन के अंदर कंबस्टन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब हम लो क्वालिटी का फ्यूल यूज करते हैं तो स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही जो फ्यूल है वो कंबस्टन शुरू करवा देता है। एज अ रिजल्ट एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस शार्प मेटालिक साउंड को नाम दिया जाता है बेटा नॉकिंग का। नॉकिंग की डेफिनेशन ये बनी बेटा अ शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल बर्न इन इंटरनल कंबस्टन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। इसे आप नाम देते हैं बेटा नॉकिंग का, कि जो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अब जब नॉकिंग हो रही होती है बेटा किसी भी इंजन के अंदर, तो नॉकिंग जो है ये रिड्यूस करवा देती है एफिशिएंसी ऑफ इंजन को। एफिशिएंसी बोला जाता है बेटा कि कितने अच्छा वो वर्क कर रहा है बेटा, वर्किंग ऑफ इंजन के ऊपर इफेक्ट देती है। इंजन की वर्किंग प्रॉपर नहीं होती तो आप ये लिखते हैं बेटा कि जो नॉकिंग होती है वो रिड्यूस करवा देती है एफिशिएंसी ऑफ इंजन को। अभी ना यहां पर मैंने एक बात लिखी है कि लो क्वालिटी फ्यूल। अब जरा देखिए बेटा, जब भी हम क्वालिटी ऑफ फ्यूल के बारे में बात करें कि फ्यूल हमारे पास अच्छी क्वालिटी का है, फ्यूल हमारे पास लो क्वालिटी का है, तो हमेशा ही क्वालिटी ऑफ फ्यूल को मेजर किया जाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर की फॉर्म में। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूल हमारे पास लो क्वालिटी का है तो लो क्वालिटी का क्यों कह रहे हैं, तो आपने कहना है कि फ्यूल की क्वालिटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। तो जब भी कोई ऐसा फ्यूल जिसकी क्वालिटी लो थी आप इंटरनल कंबस्टन इंजन में बर्न करवा दें तो वो एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करता है। उस शार्प मेटालिक साउंड को आप नाम देते हैं बेटा नॉकिंग का, और नॉकिंग हमेशा इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। अब नॉकिंग के लिए फिर कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। ये टॉपिक एंड के ऊपर आके ना फिर हम बेटा एंटी नॉकिंग एजेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा ये पॉइंट मैंने लिखा बेटा कि क्वालिटी ऑफ फ्यूल को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेन नंबर। कि अगर ऑक्टेन नंबर है, अच्छा ऑक्टेन नंबर है तो फ्यूल की क्वालिटी ठीक है, लो ऑक्टेन नंबर है तो फ्यूल की क्वालिटी कम है, तो फिर ये ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर बोला जाता है बेटा द परसेंटेज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन गैसोलीन इज कॉल्ड इट्स ऑक्टेन नंबर। कितने परसेंट, सपोज आपके पास कोई फ्यूल प्रेजेंट है और उस फ्यूल में आप ये कहते हैं कि उसका जो ऑक्टेन नंबर आया है वो 70 आया, टोटल ऑक्टेन नंबर होगा बेटा 100। अगर उसका ऑक्टेन नंबर 70 आया मतलब उसके अंदर जो 70% स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो हमारे पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। अब देखिए ना गैसोलीन फ्रैक्शन आपके पास आया, ठीक है, गैसोलीन को आपने पेट्रोलियम से गेन किया था बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है। अगर फ्यूल के अंदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे इतनी उस फ्यूल की क्वालिटी ज्यादा होगी और आप बोलेंगे कि वो हमारे पास हाई ऑक्टेन का फ्यूल है। तो ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन ये है बेटा द परसेंटेज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, कितनी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं इन गैसोलीन इज कॉल्ड इट्स ऑक्टेन नंबर। इससे आप लिखते हैं बेटा कि ये उसका ऑक्टेन नंबर है। अब अगर फ्यूल हमारे पास लो ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल होगा तो इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेजेंट होगा और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कम है, क्योंकि जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होनी है, जितना ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतने फ्यूल का हाई ऑक्टेन नंबर होगा। तो जब लो ऑक्टेन नंबर है इसका मतलब लो ऑक्टेन है तो उसके अंदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर क्या है बेटा कम है, स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होगा। अगर हाई ऑक्टेन नंबर की आप बात करें कि ऐसा फ्यूल जिसकी आप कह रहे हैं कि हाई ऑक्टेन है तो उसके अंदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेजेंट होंगे। सपोज आप फ्यूल लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है, आप ये कहते हैं कि उसका ऑक्टेन नंबर आता है 70, उसका ऑक्टेन नंबर है बेटा 70 ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर 70% ब्रांच चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है।
ठीक है। तो जितना कोई ब्रांच चेन स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं फ्यूल के अंदर, इतना उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, और जितना ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है इतना वो फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होता है। इसका मतलब जिन में जिन गैसोलीन फ्रैक्शन के अंदर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो फ्यूल हमारे पास अच्छी क्वालिटी का होगा, और जिन में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो फ्यूल हमारे पास लो क्वालिटी का होगा। तो आपने लिखना है बेटा कि लो ऑक्टेन नंबर वाले कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की अमाउंट ज्यादा होती है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन हाई ऑक्टेन नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो हाई ऑक्टेन की एफिशिएंसी भी ज्यादा है, हाई ऑक्टेन अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। तो ये जो नॉकिंग प्रोड्यूस हुई थी ये तब प्रोड्यूस हुई थी जब आपने स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन को बर्न करवाया था इन इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है। अब नॉकिंग प्रोड्यूस हो गई, हमारे पास ऑक्टेन नंबर आ गया, तो ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल को इंक्रीज भी करवाया जा सकता है, और ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल को इंक्रीज करवाने के दो मेथड्स होते हैं बेटा। एक मेथड होता है रिफॉर्मिंग, जो आज का हमारा टॉपिक था रिफॉर्मिंग, और सेकेंड मेथड होता है बेटा एंटी नॉकिंग एजेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। कि अगर आपने कोई आपके पास फ्यूल है वो लो क्वालिटी का है, उसमें स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेजेंट है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कम है, आप ये चाहते हैं कि आप उस फ्यूल की ऑक्टेन नंबर को बढ़ा दें, उसमें ब्रांचिंग को बढ़ा दें, तो आप उसकी करवा देते हैं बेटा रिफॉर्मिंग। क्या करवाएंगे? रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग हमारे पास होती है द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उनको इन हाइड्रोकार्बन, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करना है बेटा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में, एंड बाय हीटिंग, हीट करके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। क्या आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट प्रोवाइड करके कन्वर्ट करना है बेटा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स के अंदर। अब देखिए सपोज आप 8 कार्बन वाला कंपाउंड यूज करें, तो कल के टॉपिक में मैंने लिखा था कि जब आप टेम्परेचर जितना बढ़ा देंगे लेंथ ऑफ कार्बन चेन जो है वो शॉर्ट होते जाती है। तो अगर आप 8 कार्बन वाला कंपाउंड यूज कर रहे हैं, जब उसे हीट करेंगे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो 5 वाली चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन 5 वाली रहेगी, बाकी ग्रुप आप साइडों में लगाएंगे। तो अगर ग्रुप साइडों में लगेंगे उससे आप बोलते हैं कि वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया बेटा ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में बाय हीटिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इस प्रोसेस का नेम होगा रिफॉर्मिंग। इक्वेशन लिखिए बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ 6 लिखा हुआ है, मतलब CH2 के 6 जो है फ्रैक्शन वो यहां पे प्रेजेंट होंगे, 6 दफा CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा और फिर CH3 है। तो इसमें 8 कार्बन प्रेजेंट है, 8 कार्बन वाले ऑक्टेन को बोला जाता कंपाउंड को अल्केन को बोला जाता है ऑक्टेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है तो आप लिखेंगे कि ये एन ऑक्टेन है। इससे आपने हीट किया और हीट करके आपने एक ब्रांच चेन कंपाउंड बना ला। अब ये हमारे पास एन ऑक्टेन था, नॉर्मल ऑक्टेन था, आपने इसे हीट के अंदर प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट इसे आपने ब्रांच चेन के अंदर कन्वर्ट किया है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा रिफॉर्मिंग। तो जो पहला मेथड था जिसमें फ्यूल की क्वालिटी को एनहांस किया जाता था वो था हमारे पास बेटा रिफॉर्मिंग, कि आपने स्ट्रेट चेन को कंपाउंड किया ब्रांच चेन के अंदर हीट करके। सेकंड जो मेथड होता है सर थोड़ी देर फोकस करिए, उसमें हमारे पास बेटा एंटी नॉकिंग एजेंट्स को भी यूज करके आप फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं बेटा। एंटी नॉकिंग एजेंट्स वो एजेंट्स जो नॉकिंग को खत्म करवाएंगे उसे भी यूज किया जा सकता है। ये हमारे पास है, पहला है TEL, TEL को बोला जाता है बेटा टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे C2H5, इसके 4 मॉलिक्यूल और साथ आपने लिखना है बेटा लेड, टेट्रा इथाइल लेड को यूज किया जा सकता है। TML होता है बेटा TML टेट्रा मिथाइल लेड, इसका फॉर्मूला होगा CH3 के 4 मॉलिक्यूल और साथ आपने लगाने बेटा लेड, तो इन दोनों को यूज किया जा सकता है एज अ एंटी लॉकिंग एजेंट, और फ्यूल के साथ इनको ब्लेंड करवा देंगे, एज अ रिजल्ट फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इनहेंस हो जाता है, फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आप लेड को यूज करेंगे बेटा, आप अगर लेड फ्यूल के साथ किया तो इंटरनल कंबस्टन इंजन में ये बर्न होगा और प्रोडक्ट बन जाती है बेटा लेड ऑक्साइड की, PBO की। ये जो लेड ऑक्साइड बनेगा बेटा ये एयर के साथ एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ये क्रिएट करवाता है बेटा एयर पोल्यूशन को, ठीक है। तो ये एयर पोल्यूशन का सबब बनता है, फिर इसलिए आप इनको कम यूज कर लेते हैं लेकिन क्वालिटी को ये एनहांस करवाते हैं। फिर मोस्टली जो मेथड हम यूज करते हैं वो मेथड होता है बेटा रिफॉर्मिंग का, जिसके जरिए आप एंटी नॉकिंग करवा सकते हैं बेटा, कि नॉकिंग को रिड्यूस करवाया जा सकता है। तो आज के टॉपिक से बेटा वैसे देखा जाए तो इसमें 3 डेफिनेशंस ही थी, नॉकिंग की थी, ऑक्टेन नंबर की थी और रिफॉर्मिंग की थी। फिर आपने सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आता भी ऐसा है कि डिफाइन नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर या रिफॉर्मिंग, या MCQs में आ सकते हैं बेटा कि विच वन इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।